आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। प्लस टीकाकरण का आदेश जारी हुई है, कितनी तैयार हैं आप? हाँ, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शुरुआत के कुछ दिनों में भीड़ ज़्यादा होगी। हम लोग अपने स्टाफ का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है, वहाँ पर स्पेस जो है उस पर बैठने उठने का इंतज़ाम बढ़ा दिया है और उम्मीद है कि हम लोग इस स्थिति को आसानी से मैंने सुलझ ही कर लेंगे, तय कर लेंगे। सारा काम एकदम यथावत चल रहा है। सांस्कृतिक भवन में हम लोगों ने जांच का व्यवस्था किया है ताकि है सो हॉस्पिटल कैंपस में लोगों का मैंने एक दूसरे से नज़दीकी आने पर बीमारी फैलने का जो डर था उसको हम लोगों ने हटा दिया है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम भी है सो यहाँ से हटा करके हम लोगों ने लावारिस केंद्र किया और जांच को यहाँ से हटा करके सदर अस्पताल के परिसर से हटा करके सांस्कृतिक भवन में किया है। वहाँ पर हर तरह का जांच चल रहा है, सैंपल लिया जा रहा है और लोगों का जांच हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10-15 दिनों में, तो हमने इमरजेंसी को बढ़ा करके इमरजेंसी में हमारा 14-15 बेड का कैपेसिटी है, उसको जब मरीज की संख्या बढ़ी और लोग ज़मीन पर सोने लगे तो हम लोगों ने इमरजेंसी एक्सटेंशन वार्ड का निर्माण किया। पहले एक कमरा ऑक्यूपाई किया, वो पूरा फुल हो गया तो दूसरा कमरा ऑक्यूपाई किया, वो दोनों फुल है अभी, और अभी भी हमारे पास दो कमरा मेडिकल वार्ड का, अगर ज़रूरत पड़ा तो इमरजेंसी केसेस को हम लोग वहाँ रखेंगे। हमारे पास दो तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, एक कोरोना का केसेस और एक नन कोरोना का इमरजेंसी केसेस, और ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर खासकर COPD का केसेस है। लंबे समय तक सांस की बीमारी या हार्ट की बीमारी से COPD नाम की बीमारी होती है और उसमें ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, ऐसे केस भी हमारे पास काफ़ी हैं। लोगों में दसहत है, नर्वसनेस से भी डिस्निया होने लगता है तो उनको लगता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एक्चुअली हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रहा है, जितना ज़रूरत है उतना से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आम जनता में एक धारणा बन गया है, पैनिक है कि है सो ऑक्सीजन उनके पास मिलना चाहिए, ऑक्सीजन ही लाइफ सेविंग है। ठीक है, ये कुछ मरीजों के लिए ज़रूरी है लेकिन हर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन जिनका 95 से अबव है उनको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो क्यों मार कर रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसी तरह से जिन लोगों का 92 से 85 तक है उनको थोड़ा इंटरमिटेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बट लोग है सो ऑक्सीजन सिलेंडर को सो ले करके अपने मरीज तक है सो ले जाते हैं, एक सिलेंडर है सो रिजर्व में रखे रहते हैं ताकि ख़त्म होगा तो काम होगा। मैंने ये स्थिति है कि वो अपने से सारा कंट्रोल कर रहे हैं, हॉस्पिटल एम्प्लॉई डॉक्टर्स नर्सिंग उन लोग किसी का बात नहीं मान रहे हैं, उनको अपना ऑक्सीजन चाहिए, 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर। अभी हम लोग एक पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो पता चला कि एक आदमी 4-4 सिलेंडर लेकर के बैठा हुआ है, एक रूम में 4 सिलेंडर रखा हुआ है। तो अगर इस तरह से सिलेंडर की होर्डिंग होगी तो नेचुरल है कि दूसरे को सिलेंडर की कमी पड़ जाएगी। इस इलाज में हमारा एक थ्योरी भी है कि ऑक्सीजन का डोज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके ऑक्सीजन चल रहा है। ऑक्सीजन का डोज होता है 3-5 लीटर पर आवर। अब लोग है सो उसमें जो ऑक्सीफ्लोमीटर है उसमें लोग देखता नहीं है, पूरा फुल स्पीड कर देता है और उस फुल स्पीड से लगातार है सो ऑक्सीजन चल रहा है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बताना है, मरीजों को और जनप्रतिनिधि को ही बोलना है कि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी नाम की एक बीमारी है जिसमें मरीज बेहोशी की ओर चला जाता है, उसका नस सब खराब होता है और
जब वैसे स्थिति में जब पहुंचने लगता है तो मरीज को लगता है कि कोरोना से मरीज हमारा सीरियस हो गया। नहीं, वो मरीज सीरियस हो रहा है एक्सेसिव ऑक्सीजन थेरेपी से हो रहा है। तो इन सब चीज की जानकारी लोगों में बढ़ाना है।